मेरी इस कविता का शीर्षक है मजबूर और बेबस बेटियाँ। ये उस मजबूरी को दर्शाता है जब किसी लड़की का विवाह होता है और वो जिस परिवार में जाती है वहाँ उसे प्रताड़ना, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। उस दर्द को महसूस करिएगा और सुनिएगा, सुनाना प्रारंभ करता हूँ। बाबुल के घर गुड़िया जैसे बड़े प्यार से पली बड़ी, कभी कमी ना की पापा ने शौक शान से रही पड़ी। माँ के आंचल की छाया में फिक्र ना कोई चिंता थी, ना भय था ना घबराहट थी, बस करुणा थी ना हिंसा थी। फिर समय के परिवर्तन ने उसके जीवन का रुख मोड़ लिया। विदा किया ससुराल को माने आंगन उसने छोड़ दिया। अब नई जगह है नए लोग हैं नए नए से ताने हैं। कुछ व्यंग से तंग करे उसको और कुछ के नए बहाने हैं। आगे सुनेगा कि जिसे समझकर हीरा पिता ने बांधा बेटी को बंधन में, निकला नाली का कीड़ा बस रहे नशे में उलझन में। जो डांट तलक ना सुनी कभी अपने अपने घर पे डांट तक नहीं सुनी थी। आगे सुनेगा कि जो डांट तलक ना सुनी कभी हर रोज मार वो खाती है। इस चार दीवारी में उसकी चीखें दबकर रह जाती है। अनुरोध करे मध्यम स्वर में रोती वो सिसकती सबसे है। आखिर क्या जुर्म किया मैंने, मिल रही सजा जो कब से है। माँ मुझको तेरे पास बुला ले, कहाँ ये लाकर छोड़ दिया। इन क्रूर निर्दयी के हाथों में जीवन का क्यों डोर दिया। पापा तुमसे विनती है मुझे फिर से घर पे बुला लो ना। ये प्राण मेरे ले लेंगे पापा, मुझको इनसे बचा लो ना। बर्दाश्त किया इज्जत के खातिर पर मर जाऊंगी अब ऐसे। हर रोज प्रताड़ित होती हूँ, क्या कहूँ कहाँ और कब कैसे। आगे सुनेगा कि जो जीवन साथी होता है गर वो ही दरिंदा निकले तो। जज्बातों का ना मोल करे जालिम ना फरिश्ता निकले तो। कैसे घुट घुट कर खुद को इस घर में ऐसे मरने दूँ। इन निर्मोही पापी लोगों के हत्थे कैसे चढ़ने दूँ। अरे गलती क्या है मेरी की एक बेटी हूँ मैं यही ना। बेटी होना भी जुर्म है क्या, है तभी तो तड़प रही हूँ ना। करता हूँ निवेदन सबसे मैं फिर किसी का ऐसा हंस न हो। नशे से दूर रहो तुम सब, दूजों के दुख में जश्न न हो। और माँ के खातिर बेटी तो जिगर का टुकड़ा होती है। फिर क्यों बेटी ससुराल में अक्सर एक माँ के होते रोती है। एक दूसरी कविता है जो कि बेटियों के ऊपर लिखी थी, जो कि भ्रूण गर्भ हत्या बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में होता है, बेटियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। तो पढ़ना प्रारंभ करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छी लगेगी। सुनेगा कि बहुत घरों में बेटियों का पहले ही निश्चय होता है। वो कोख में पल रही बेटी का ऐसे क्यों निर्णय होता है। अरे बेटा है तो जन्म लिया बेटी को मारा जाता क्यों। बेटों को इतनी आज़ादी, बेटी पर है पाबंदी क्यों। अरे क्यों बेटी के जन्म मात्र से इतना तुम घबराते हो। वो प्रश्न कर रही है लड़की, वो जिसे मार दिया गया, कि क्यों बेटी के जन्म मात्र से इतना तुम घबराते हो। अरे बेटा यदि नहीं तो फिर बेटी से क्यों डर जाते हो। अरे माँ भी तो एक बेटी है, ना होती कहाँ से आते तुम। और बहन ना होती तो बोलो राखी किससे बंधवाते तुम। तुम इतने भी लाचार हो क्या मुझ गुड़िया को ना पाल सको। धिक्कार है ऐसे जीवन पे खुद की बेटी के प्राण हरो। एक बात को समझ सको तो समझो। सोचा कह लूँ मैं, बेटा बेटी दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। और आज सिस्टर्स डे है तो सभी बहनों को मेरी तरफ से हैप्पी सिस्टर्स डे। थैंक यू।